कटनी खजुराहो संसदीय क्षेत्र से सांसद वीडी शर्मा ने बहोरीबंद में करोड़ों रुपए की सौगात दी। बहुप्रतीक्षित बस स्टैंड का लोकार्पण सांसद द्वारा किया गया। इस दौरान 31 करोड़ से अधिक की लागत के 45 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में विजयराघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक, बहोरीबंद विधायक प्रणय प्रभात पांडेय, विधायक पवई प्रहलाद लोधी भी उपस्थित रहे। कटनी से हीरा विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट है। और जो संजय जी ने कहा कि लगातार लड़खड़ करके क्षेत्र का विकास कैसे हो, इसकी चिंता करने वाले आपके विधायक आदरणीय प्रणय प्रभात पांडे जी। प्रणय मेरा छोटा भाई है और आज से नहीं कई सालों से मैं जुड़ा हूं, पिताजी के साथ भी मेरा संबंध रहा। जो गरीब जनता के लिए खड़े होकर के इनके हितों के लिए काम करती है। मित्रों, मैं आज बहोरीबंद की जनता से एक बात कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर, और आपने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को देखा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकारों के नेतृत्व में किस प्रकार से सड़क बिजली पानी के लिए लालायक था। लेकिन मित्रों, मुझे कहने में गर्व है, आज अपने प्रणय पांडे जी के कारण से प्रणय जी ने जो प्रयास किए हैं, आज अभी हमारे जिला पंचायत के सीईओ महोदय जिस बात का उल्लेख कर रहे थे कि आज बहोरीबंद के अंदर जिन कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है, तो ऐसे काम लगभग 31 करोड़ के एक काम हुए हैं, 3 करोड़ का एक लोकार्पण हुआ है, 35 करोड़ के कामों का लोकार्पण हुआ है, और आगामी समय में जो काम यहां पर होने वाले हैं उन सारे कामों के बारे में मित्रों, जो अभी प्रणय जी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया है, जैसे ही नेतृत्व कर रहे हैं 24 घंटे कोई विधायक अपनी जनता के बारे में अगर विचार करता है, और जो संजय जी ने कहा कि लगातार लड़खड़ करके क्षेत्र का विकास कैसे हो, इसकी चिंता करने वाले आपके विधायक आदरणीय प्रणय प्रभात पांडे जी। प्रणय मेरा छोटा भाई है और आज से नहीं कई सालों से मैं जुड़ा हूं, पिताजी के साथ भी मेरा संबंध रहा। विधायक महोदय मंचा सिंह, समस्त सामान्य विशेष अतिथिगण एवं मेरे सामने बैठे बहोरीबंद के आमजन, आप सब ने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आपका मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। एवं माननीय सांसद जी को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि बहोरीबंद प्रशासन इसी तरह आमजन की सेवा में लगा रहेगा, और साथ ही यदि अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो मैं कार्यक्रम की समापन की घोषणा करना चाहता हूं। धन्यवाद।